नमस्कार, मैं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज में। लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को चीन ने खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि चीन भारत सीमा पर हालात स्थिर हैं और किसी तीसरे पक्ष के मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। चीन ने कहा कि सीमा पर विवाद के समाधान के लिए दोनों ही देशों के बीच एक तंत्र है, साथ ही संवाद के जरिए विवादों के समाधान के लिए कई माध्यम मौजूद है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद चीन की स्थिति सतत और स्पष्ट है। दोनों ही देशों ने अपने शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई महत्वपूर्ण सहमति को ईमानदारी के साथ लागू किया है। झाओ ने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बारे में बात की थी। झाओ ने कहा, अब वहां पर स्थिति स्थिर और नियंत्रण है। चीन और भारत के बीच में सीमा को लेकर एक तंत्र और संवाद के चैनल मौजूद है। हमारे अंदर विवाद के बातचीत और वार्ता के जरिए सुलझाने की क्षमता है। किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।